हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो क्या हाल है यार? सो यार ठीक है। हम बहुत दिनों बाद आ रहे होते हैं। पहले आए, चार वीडियोस बनाई, फिर यूं गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग होता है ना, वैसे ये गायब हुआ था। आना पड़ता है ना। सो खैर, तो यार हम लोगों ने भी देखा, मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था तो मुझे दिखा कोक स्टूडियो बांग्लादेश का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। और कोक स्टूडियो बांग्लादेश से हमारा एक दिली बड़ा लगाव है, वो इसलिए क्योंकि हमें शोहरत की बुलंदियों पर जो पहुंचाया है ना, वो कोक स्टूडियो के पहले सीजन ने पहुंचाया है। बहुत व्यूज उससे आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यार आया था बांग्लादेश से हम लोगों को बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने कहा जब सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है तो नहीं, अपने सारे कामों को एक साइड में रख के हम सीजन 2 की तरफ आया जाए और इसके गानों पर रिएक्शन कर जाए। तब तक दो गाने आ चुके हैं, एक मोरेटेन है। मोरेटेन मैंने बहुत बहुत बार सुना है, टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे बड़ा पसंद ये गाना आया। इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है, वो मैं बाद में बात करूँगा गाने के बाद, लेकिन पहले मुजम्मिल को गाना सुनाते हैं और मैं खुद भी सुनता हूँ। चलिए चलो अब प्ले करूँगा। स्टूडियो बांग्ला सीजन 2। Hey, halu gaite muri.
नहीं सके यार, ऐसा लग मुझे रहा था हॉलीवुड का कुछ इनका... ऐसे गाने होते हैं ना, इंग्लिश गाने ऐसे होते हैं। हाँ लेकिन वाइब कितने मजेदार है ना गाने की, मतलब एक फन लविंग गाना और एक हैपनिंग गाना है। और कोक स्टूडियो, अच्छा तुमने एक चीज शायद नोटिस करी हो, कोक स्टूडियो बांग्लादेश का जो पहला सीजन था बहुत हिट हुआ था, ऑब्वियसली बात है उनके व्यूज बता रहे होते हैं, पर पहला सीजन के बावजूद उनके व्यूज बहुत अच्छे आए थे। तो सीजन टू का तुम देखो प्रोडक्शन क्वालिटी, तुम्हें थोड़ी सी लगेगा कि हाँ यार और ज्यादा खर्चा करा है। इवन की कॉस्ट्यूम्स के अंदर भी तुम देखो कलर थोड़े से वाइब्रेंट है, वीडियो के ना तो थोड़ी वीडियोग्राफी पे देखो ये पूरा भाई इन्होंने आर्टिफिशियल बस बना दी उठा के सर्ड के ऊपर, तो मतलब पता लग रहा है कि हाँ भाई खर्चा करा है इस बार, ठीक ठाक पैसा खर्च करा है। और कॉस्ट्यूम्स किस तरीके से अच्छे हैं, और मुझे रैपर्स दोनों बहुत अच्छे लगे, स्पेशली ये जो स्लीवलेस पहना हुआ ना इस बंदे का नाम, यहाँ पे तीन नाम लिखे हुए, रियाद पुलाब और तौफीक। अब मुझे नहीं पता रियाद पुलाब और तौफीक कौन कौन है, लेकिन मुझे जो ये स्लीवलेस पहना हुआ एक रैपर है ना उसका गाने का नाल बड़ा सही लगा। बट यार बट अनफॉर्चुनेटली बट हमें बंगाली लैंग्वेज समझ नहीं आती, वरना इस गाने से हम और ज़्यादा समझ लो कनेक्ट कर पाते। मैंने इसको सबटाइटल्स के साथ सुना था ना, मज़ा तो आ रहा था, लेकिन भाई ये कि बंदा सबटाइटल पढ़े या गाने पर फोकस करे, लेकिन खैर गाना ऑल इन ऑल बड़े मज़ेदार है यार, बहुत मज़ा आया इस गाने को सुनकर ना मुझे तो। खैर ये गाना मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तुम्हें वैसे कैसा लगा? अभी तो फर्स्ट टाइम सुना था, फर्स्ट टाइम वाइब अच्छी गाने का, जब बड़ी सीरियस ही बात है गाने का म्यूजिक अच्छा होता है ना समझ आता है गाने, भले लैंग्वेज ना आ रही हो आपको समझ में। और ये इनका गाने इस सीजन का पहला गाना था, जैसे पिछले सीजन का होता ना नासिक नासिक। अच्छा पिछले सीजन के बाद बहुत सारे लोग मुझे दिख भी नहीं रहे, जैसे कुछ गिटारिस्ट थे वो नहीं दिख रहे मुझे, प्रिकॉशनिस्ट हैं वो सारे तो दिख रहे मुझे, बेसिस्ट भी एक दिख रहा है लेकिन ना बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे। बैकिंग वोकलिस्ट सेम है, वही जो लास्ट सीजन में थे वही वाले बैकिंग वोकलिस्ट हैं। सो खैर यार तो बस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो, हमें तो बहुत पसंद आया, मुझे तो गाना बहुत पसंद आया। अब सेकंड वाला गाना सुनते हैं, वो मैंने भी नहीं सुना हुआ, फिर उस पर रिएक्शन करके उसकी वीडियो डालेंगे, ठीक है? तो जब तक के लिए हो गया।